एसीएल लिगामेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल से मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों एसीएल लिगामेंट की चोटें ऐसी है कि इसके लिए पेशेंट काफ़ी दिनों तक रिसर्च करता रहता है, वो एक ऐसे डॉक्टर की तलाश कर रहा होता है जिससे कि 100% गारंटी मिले, इलाज उसके बजट में ही हो जाए और बार बार ऑपरेशन कराने की या फिर फिजियोथेरेपी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रहे। और इसलिए जब वो मेरा चैनल देखता है तो इजीली कन्विंस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के हर कोने से बल्कि विदेशों से भी लोग आ रहे हैं और एसीएल की सर्जरी करा रहे हैं। यहाँ पे जो सर्जरी हो रही है दोस्तों वो सरकारी अस्पताल से भी कम रेट में हो रही है, बार बार आने की जरूरत नहीं है, इम्प्लांट मेड इन यूएसए यूज़ किया जा रहा है और रिकवरी भी 100% है। आज मेरे साथ एक प्लेयर हैं जो नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं और इनका एसीएल की सर्जरी हुई है, आइए इनकी जो स्टडी है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है सर। शैलेंद्र जी, क्या दिक्कत हुई थी जिसके लिए आप मेरे पास आए थे? सर मुझे लगभग 2.5 साल पहले लेफ्ट लेग में एसीएल इंजरी हो गई थी। कौन सा गेम खेलते हो आप? मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, ऑल ओवर जिमनास्टिक सब करता हूँ। तो आपने कहीं दिखाया था क्या? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बेसिकली गंगापुर सिटी से बिलोंग करता हूँ। आपने कहीं दिखाया था क्या आसपास में? मैंने शुरू में जब हम जैसे कि नॉर्मली होता है गांव में, हम कभी बाबाओं पे, कभी देसी दवा देने वाले, चटनी, हाँ, तो सूतने करने वाले ऐसे, मतलब उन पे दिखाया था। तो उसके बाद फिजियोथेरेपी भी करवाई, कुछ डॉक्टर्स को भी दिखाया था। ऑपरेशन से मुझे डर था एक्चुअली, वो होता है इंटरनली कि यार ऑपरेशन हुआ घुटने का तो कैसा लगेगा। सही बात है। तो दिखाया तो था बट ऑपरेशन के पर्पज़ से नहीं दिखाया था, तो नेचुरली थोड़ा ठीक लगने लगा बीच बीच में, बट परमानेंटली ठीक नहीं हो पाया था मैं। आपको मेरे बारे में कैसे मालूम चला? मैंने सर यूट्यूब सर्च किया था उस पर भी, और दूसरा हमारे कॉन्टेक्ट में एक डॉक्टर है, उन्होंने आपका नाम मुझे रिकमेंड किया था। तो आप जब यहाँ पर आए थे कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? कई लोग बोलते हैं कि सर टेलर तो अच्छा दिखा देते हैं और पिक्चर ख़राब निकलती है, तो रियलिटी और जो आपने सुना था उसमें कितना डिफरेंस आप फील कर रहे हो? सर ऐसा है कि देखिए, मैंने भी काफ़ी जगह मतलब जो है रिसर्च किया, और जहाँ हो सका वहाँ मैंने डायरेक्टली बात की, किसी के थ्रू मैंने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, तो कई जगह कई तरह की चीज़ें सस्पेंस में थी, डाउट्स में थी। यहाँ पे आके मैं आपसे मिला डायरेक्टली, तो आपने ऑनेस्टली जो मुझे चोट के बारे में, चाहे पैसे के बजट को लेके, चाहे रिकवरी को लेके, जो भी फीडबैक दिए, जो बताया और जिस तरह से आपने मुझे सजेस्ट किया, गाइड किया, वो मुझे प्रॉपर ऑनेस्ट लगा। हर किसी भी चीज़ में कोई तरह का डाउट मुझे नज़र नहीं आया, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ में मुझे दिखाई गई और मुझे लगा ऑनेस्टली मुझे अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। और ऑपरेशन में कैसा एक्सपीरियंस रहा? दर्द के मारे आपकी चीख ही निकल गई होगी ऑपरेशन? नहीं नहीं, ऑपरेशन में तो बिल्कुल दर्द नहीं हुआ था। अब स्पाइनल एनेस्थीसिया का असर जाता है तब दर्द, वो होता है, तो वही हुआ था, ऑपरेशन द्वारा नहीं हुआ था। आपके मन में जो सवाल थे कि भाई ऑपरेशन होता है तो कितना दर्द होगा, उसके तुलना में कैसा एक्सपीरियंस रहा? सवाल तो ऐसा है सर, डर तो था कि भाई ऑपरेशन थिएटर में भी डर रहे थे क्या? नहीं, उस टाइम ऐसे तो नहीं डर रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, मैंने कभी मेरी बॉडी में चोट बहुत लगी बट ऑपरेशन नहीं करवाया किसी चीज़ का, तो उस वजह से थोड़ा डर था, लेकिन आपने थोड़ा कोऑपरेट किया तो अच्छा लगा। थोड़े कोई और लोग हैं जिनको लिगामेंट की चोट लगी हुई है और डर रहे हैं और सुताई करवा रहे हैं या चूरन चटनी कर रहे हैं या देसी इलाज कर रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज दोगे? मैं यही मैसेज दूंगा, देखिए क्या होता है ना कि मतलब हम जब हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है ना किसी भी चीज़ की, तो हम इधर उधर कन्फ्यूजन में घूमते रहते हैं, तो डायरेक्टली प्रोफेशनली जो डॉक्टर्स हैं उनके पास जो नियर बाई है, या फिर आप, मैं तो कहूँगा अभी मैंने यहाँ करवाया है तो भाई सीधा सीधी बात है, यहीं पे आओ करवाओ, बेस्ट है, और मैं रिकवर होऊंगा तो आपको पता चलता जाएगा। सही बात है ना, मतलब मैं स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ तो मेरी रिकवरी होने के बाद में कोई डाउट रहेगा नहीं नॉर्मल इंसान के मन में। तो दोस्तों इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और लिगामेंट की चोटें दोस्तों देसी इलाज या चूरन चटनी या देसी दवाइयों से ठीक नहीं होती, बल्कि इससे कई बार मामला बिगड़ भी जाता है। right. आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करिए अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी है, कौन सा स्क्रू अच्छा है, कौन से मतलब एक्सरसाइज इसके लिए अच्छी है। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन है लिगामेंट संबंधित, आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करिए और मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर।